तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका आज की जबरदस्त और फ्रेश वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आज आप लोग थंबनेल पर देख रहे हो, आपको यहाँ पर एक ईगल देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिखा है रडार पर बनाए रखो। जिस तरह से दोस्तों ईगल अपने शिकार पर नजर रखता है, उस तरह से आपको भी इस स्टॉक पर नजर बना के रखने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा जबरदस्त और बेहतरीन स्टॉक है जिसमें मौका मिलते ही आपको पोजिशन बना लेनी चाहिए, माल को उठा लेना चाहिए। इतना ज्यादा दोस्तों इसमें क्लू देते हूँ आपको कि इतना ज्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है कि अब एकदम क्रुशियल जोन पर पहुंच चुका है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो आपको जबरदस्त अपसाइड के मूवमेंट ये दिखाएगा। तो इसी तरह का स्टॉक आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। आप भी उस स्टॉक को जानते हैं, मैं भी उस स्टॉक को अच्छी तरीके से जानता हूँ। एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छी ब्लू चिप स्टॉक है, ऑटो सेक्टर की है, ये भी बता देता हूँ। तो बाकी सारी डिटेल्स के लिए और चार्ट एनालिसिस के लिए, बेसिकली यहाँ पर चार्ट एनालिसिस होगी, कोई भी टेक्निक फंडामेंटल चीजें यहाँ पर नहीं बताई जाएंगी। तो जिन लोगों को टेक्निकल्स में इंटरेस्ट है वो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रह सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कुणाल एंड यू आर वॉचिंग मार्केट कैपिटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। बिना कुछ भी बकवास किए दोस्तों आपको स्टॉक का नाम यहाँ पर बता देता हूँ, बजाज ऑटो लिमिटेड। एक बेहतरीन निफ्टी 50 की ब्लू चिप स्टॉक है और साथ ही साथ काफी बेहतरीन मूवमेंट भी देती है। आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, मैंने हाई से लो की तरफ मार्क किया है और टोटल परसेंटेज यहाँ पर करेक्शन की निकालने की कोशिश की है, जो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, टोटल 1094 पॉइंट्स ऑलमोस्ट इसने ऊपर से करेक्ट किया है और जिसका परसेंटेज निकल के आता है 25.23%, यानी कि बहुत ही ज्यादा 25% का दोस्तों आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। 25% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है एक अच्छे स्टॉक में, तो आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशंस को देखते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशंस होल्ड करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये एक सोने पे सुहागा ऑफर है 25% ऑफ। साथ ही साथ दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले जो शॉर्ट टर्म में पैसा बुक करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर दोस्तों हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे कि क्या कुछ लेवल निकल के आ रहे हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको करेक्शन दिखाई दिया, तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और कंपनी के कुछ मतलब स्टॉक्स के कुछ जो हिस्ट्री है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मार्क करता चलूंगा। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं ये कोरोना का टाइम रहा, वो जिस टाइम पे कोरोना एंटर किया था, सबसे लो प्राइस आपको यहाँ पे उस टाइम ही देखने को मिला था, जो कि लगभग यहाँ पर 1600 के आसपास का था। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1800 के आसपास का, माफ कीजिएगा, 1800 के आसपास का लो आपको उस टाइम पे कोरोना के टाइम पे लगाता हुआ दिखा था। उसके बाद सभी स्टॉक की तरह इसमें भी एक रैपिड फायर ऊपर की तरफ इसने हमें दिया, रैपिड मूवमेंट आप इसको कह सकते हो, एकदम से हाई लगाया इसने लगभग 4000 का एक बार में, 4042 के आसपास का इसने हाई लगाया। फिर दोस्तों वहां से इसमें करेक्शन देखने को मिला काफी जबरदस्त, यहाँ पे भी लगभग इसने 25% तो ऑलमोस्ट करेक्ट किया ही होगा और वापस से दोस्तों इसने 25% अपने आप को कवर भी कर लिया और वापस से 4000 के लेवल को इसने टच कर दिया, ये ऊपर वाला लेवल। फिर वहां से दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर से इसने करेक्ट करना स्टार्ट किया, थोड़ी बहुत अप ट्रेंड भी दी है, सेकेंडरी अप ट्रेंड वो तो जरूरी है, लेकिन अंततः दोस्तों अभी जैसा कि मार्केट चल रहा है बियरिश, बहुत ही खतरनाक मार्केट चल रहा है अभी फिलहाल यहाँ पर, तो और बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का अगर आप किसी स्टॉक में करना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हो जब यहाँ पर फियरफुल माहौल होता है पूरा, तो उसी टाइम बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मूवमेंट अभी चल रहा है मार्केट में, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है बजाज ऑटो में। अब दोस्तों इसके कुछ हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल की जो प्राइसिंग चल रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, 3249 रुपए के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग अगर सपोर्ट को यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से जो पहला सपोर्ट है वो है इसका दोस्तों यहाँ पर 3170 रुपए के आसपास, 3170 से 3180 रुपए के आसपास। मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, रेड लाइन, उस इसके पीछे एक साफ सुथरी रीजन आप देख सकते हो सपोर्ट। मैंने इसको यहाँ पर क्यों कहा कि आप यहाँ पर देखो ध्यान से, तो आपको काफी सारे बार यहाँ पर से ये टच होता हुआ दिखाई देगा, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 8-9 टाइम्स के आसपास जो है इसने इस एरिया को रिजेक्ट किया है, सपोर्ट किया, रिजेक्ट किया, सपोर्ट किया, तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम तो हमारे स्टॉक के लिए बिल्कुल करेगा। अब साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट तो एक मेजर सपोर्ट हमारा ये है, अब इसके टूटने के बाद दोस्तों सेकेंड मेजर सपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो वो मेरे लिए आ जाएगा दोस्तों 2850 रुपए के आसपास का प्राइस। तो 2850 रुपए के आसपास एक दूसरा बेहतरीन सपोर्ट है, अगर ये इस सपोर्ट पर नहीं टिकता है, 3100 वाले सपोर्ट पर नहीं टिकता है 3170-80 के आसपास, तो फिर दोस्तों अगर वहां से ब्रेक होता है तो ये नीचे 2800 के आसपास का मूवमेंट आपको जरूर दिखाएगा, अगर इसी तरह से बियरिश मार्केट चलता रहा तो। लेकिन होपफुली यहाँ पर इतना ज्यादा करेक्ट तो नहीं करना चाहिए, इसी के आसपास से, इसी लेवल के आसपास से मुझे बाउंस बैक होने के चांसेस बिल्कुल लग रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप
इंडिकेटर्स की मानते हो, इंडिकेटर्स को ज्यादा फॉलो करते हो, तो देख सकते हो 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि येलो कलर की लाइन निकल के आ रही है, जिसकी प्राइसिंग फिलहाल 3700 रुपए के आसपास है, वो दोस्तों यहाँ पर टूट चुकी है बहुत ही पहले, और उसी टाइम से ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब अगर दोस्तों यहाँ से बाउंस बैक करता है तो आप चाहोगे कि शॉर्ट टर्म में सबसे पहला टारगेट कौन सा होना चाहिए, तो अगर ये यहाँ पर से दोस्तों बाउंस बैक करता है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर से बाउंस बैक कर रहा है, तो इसका जो पहला टारगेट होगा दोस्तों ये 3400, ऑलमोस्ट कह सकते हो यहाँ पर 3500 के आसपास का पहला टारगेट होगा। मेरे ख्याल से यही इसका सबसे पहला टारगेट होगा अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है। स्टॉप लॉस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जहां से बाउंस बैक करेगा उसके कैंडल पैटर्न को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस निकाल सकेंगे। लेकिन टारगेट जो होना चाहिए मेरे ख्याल से पहला वो 3500 के आसपास का टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट मेरा ये 3600, लगभग 3700 हम लोग मान के चलते 3700 के आसपास का टारगेट होगा। तो ये दो टारगेट तो मेरे हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों 1-2-3 महीने तक का यहाँ पर पोजिशन बनाए रखना पड़ सकता है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में दोस्तों आपको दोनों टारगेटेड तो समझ में आ ही गए होंगे अगर यहाँ पर बाउंस बैक करता है तो, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर चांसेस ये भी है कि यहाँ पर बाउंस बैक ना करे, थोड़े टाइम तक यहीं पर आपको साइडवेज मूवमेंट दे, तो जब यहाँ पर बाउंस बैक होता हुआ आपको दिखे तभी दोस्तों यहाँ पर आपको घात लगा के तब तक बने रहना है। जब बाउंस बैक होता हुआ दिखे तो आपको यहाँ पर दोस्तों माल दबा लेना, ये सीधी सी बात है, क्योंकि एट दिस टाइम मैं उस टाइम पे वीडियो बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को नजर पे बना के रख सकते हो, अपने रडार पर बना के रख सकते हो। अब दो मूविंग दो इंडिकेटर जो कि बहुत ज्यादा फेमस इंडिकेटर है, एक है हमारा RSI जो कि अभी फिलहाल ओवरसोल्ड सिचुएशन में चल रहा है, तो मैंने जैसा कहा कि 200 डेज के नीचे आने के बाद तो वैसे भी समझ लो वो ओवरसोल्ड जोन में पहुंच ही जाता है, तो ओवरसोल्ड जोन में आ गया चुकी, तो अब यहाँ से बाउंस बैक के बहुत ज्यादा चांसेस RSI के अकॉर्डिंग तो बनने ही चाहिए, क्योंकि ओवरसोल्ड के बाद अब ये नीचे कहाँ जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि स्टॉक जो है वो फिलहाल जो है दोस्तों इसी एरिया पर से रिजेक्ट करने की कोशिश तो एक बार जरूर करेगा, ये जो हमारा 3160 रुपए वाला सपोर्ट जोन है इस लेवल के आसपास दोस्तों ये घूमने की जरूर कोशिश करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम लोग MACD को भी देखेंगे तो MACD को भी हम लोग नहीं छोड़ सकते, MACD को भी देखेंगे तो MACD तो काफी बियरिश है ही, देखने में पहले से ही हिस्टोग्राम के नीचे ट्रेड कर रहा है, और अभी इसके तो घूमने के फिलहाल कोई ज्यादा चांसेस नहीं दिख रहे मुझे। लेकिन अगर एक बड़ी सी कैंडल, एक बड़ी सी बुलिश कैंडल अगर आपको देखने को मिले तो मे बी यहाँ पर चांसेस है कि ये एक ही दिन में अपने रुख को बदल ले। तो RSI के अकॉर्डिंग देखें तो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड सिचुएशन में है और बाउंस बैक के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल आपको यहाँ पर बजाज ऑटो देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, अभी फिलहाल इसका चार्ट अच्छा लगा होगा, इसके कुछ लेवल्स मैंने दिए यहाँ पर, टारगेट दो तो आपको मेंशन कर ही दिए, अगर इस लेवल से बाउंस बैक करता है तो ये दोनों टारगेट तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अचीव होने चाहिए। अगर ये यहाँ पर सस्टेन नहीं करता है, नीचे गिरता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जोन होगा वो दोस्तों 2850 रुपए के आसपास होगा। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बजाज ऑटो वैसे भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी, फंडामेंटल डिटेल्स बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो लोग दोस्तों इसमें लॉन्ग टर्म पोजिशन के लिए, उनके लिए बाय ऑन डीप का तो एरिया है ये आप लोग जानते ही हो। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो बिल्कुल करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी बी सेफ एंड गुड बाय।